अरे वाह मैडम सर आ गई, मैडम सर आ गई। चीते जल्दी आओ, हम का कर रहे हो बे, लगाओ ना टीवी, दिखाओ ना वो न्यूज जिसमें वो जयदेव माफी मांग रहा है, जो हर लोकल न्यूज चैनल पे चल रहा है, वो दिखा का ही नहीं रहे हो मैडम सर को। हाँ, और वो कौन है वो लड़का सतीश, उसकी माँ को कॉल करके बोलो कि मैडम सर ने ऐसे मामला सुलटा दिया है। ये क्या कह रही हैं आप, मैडम सर के साथ आप इस तरीके से बात कर रही हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अमाओ तुम मशीन हो, मशीन रहो समझी, बीच में कूदा मत करो। तुम मैडम सर के पास एक जादू का छड़ी है, तुमको नहीं पता है, जब वो चलता है ना तो एकदम से जादू हो जाता है, और वही हुआ है। मैडम सर ने ना जादू कर दिया, ये पान मसाला जो है ना सब सुलटा दिया ऐसे, समझो हमारी बात को। तुमको क्या लगता है हम तंस कस रहे हैं मैडम सर को, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम वो क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी, चीते क्या बोलते हैं अंग्रेजी में वो सर सर सरकाजम 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 वो नहीं कर रहे हैं हम, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, एकदम सच बोल रहे हैं। करिश्मा सिंह आपको सरकाजम करने की कोई जरूरत भी नहीं, आप जो चाहे साफ साफ सीधा सीधा कह सकती। ठीक है तो हम साफ साफ और सही सही कहते हैं मैडम सर। आपने कहा कि आप ये केस अपने तरीका से सुलटाना चाहती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा इस केस में आपको हमारा मदद नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप उस जयदेव के पास गई, उससे उससे उसकी मदद लेने, उसने आपको मना कर दिया, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, हमें दिक्कत इस बात का है कि जब आपको पता है कि ये जो जंगली घोड़े होते हैं, ये प्यार दुलार और जज्बात इस छड़ी से आपके हाथ में नहीं आ सकते हैं मैडम सर, तो आप काहे नहीं समझती है कि इनके लिए एक मजबूत पट्टा चाहिए ताकि हमारे काबू में आ सके, और वो हम कर सकते हैं। अगर आप हमें हमारे तरीके से केस सुलटाने देंगी तो ऐसा चुटकियों में केस सुलटा देंगे हम, और कोई गुटका ना अपने सपने में भी खाने के बारे में नहीं सोचेगा, समझ रही हैं आप हमारी बात को? तो ठीक है फिर ये तय रहा, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, करिश्मा सिंह इस केस को इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ऑल द बेस्ट। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? अब ये केस चुटकियों में हल हो जाएगा, केस सॉल्ट। ये मेरा व्यंग था, सार्कास्म, क्योंकि सच तो ये है कि अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन ये भी इस केस को हल नहीं कर पाएंगी, लाइक हसीना मैडम। देखते हैं, ठीक है संतु चीते, अब ये केस हमारे हाथ में आ गया तो फिर इंतजार किस बात का? हर गली नुक्कड़ में जितने भी पान पनवाड़ी है सबके यहाँ जाकर जितने भी गुटके के पैकेट है सारे जब्त कर लो, एक भी छूटना नहीं चाहिए, समझ गए हमारी बात को? जी मैडम। हाय संतु जी। पुष्पा जी आप हमारे साथ आइए। जी। तुम कहाँ, तुम नहीं आओगी, ये हमारा केस है, हम अपने तरीके से सुलटाएंगे इसको, ठीक है, हमें मशीन का मदद नहीं चाहिए इसमें, तुम रहो यहाँ पे। पुष्पा जी चलिए। जी। पुष्पा जी एक बार आप। जी। क्या बात कर रही हैं मैडम, पान मसाले के नाम पे कोई गुटखा बेच रहा है? मैडम गिरफ्तार कीजिए उसे और जेल में डाल दीजिए उस कमीने को। वही तो करने आए हैं, उस कमीने को पकड़ने आए हैं। एक मिनट, ये आपकी फैक्ट्री में बनता है? आपकी फैक्ट्री का एड्रेस है इस पे? क्या मैडम, अगर जोक ही सुनाना था तो मैसेज कर देती। टोपा होगा, तुमको क्या लगता है हम तुमको जोक सुनाने आए हैं, मजाक करने आए हैं यहाँ पे? मजाक नहीं तो और क्या है मैडम, अब कोई आगरा जाकर ताजमहल में मेरा नाम लिख देगा तो ताजमहल मेरा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, अरे आप भी क्या मैडम, कोई मेरे प्रोडक्ट पर कुछ भी लिख देगा, कुछ भी डालकर बेचेगा तो आप ही मुझे परेशान करने चली आएंगी। गलत तो मेरे साथ हुआ है, किसी ने मेरा प्रोडक्ट मिसयूज करके ये गैरकानूनी काम किया है। क्या है पुष्पा जी, इतना सारा पैकेट लेके घूम रही हैं आप? ये नहीं नहीं, ये तंबाकू वाले नहीं है, ये तो बिना तंबाकू वाले हैं जो यहाँ ताजे ताजे बन रहे थे, तो सोचा हमने लल्ला को भी अच्छे लगते तो दो चार लल्ला के लिए ले लेते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू इसकी। अच्छे से चेक किया ना सर? हाँ 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 हाँ, अच्छे से चेक किया। पक्का ना? पक्का मतलब क्या पक्का? अरे आपको हमारी विलक्षण प्रतिभा पर शक है? आज तक हमसे कोई भी छुपा पाया है कुछ भी? आप भी तो चोरी छुपे अंडे लेकर आती है, हमने कितनी बार पकड़ा है आपको, छुपा पाई है हमसे? सूंघ कर बता सकते किसने कहां क्या छुपा के रखा है?
बात करते। हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हम शुद्ध पान मसाला बनाते हैं, आप भी टेस्ट करके देखिए। शर्माइए मत, शान से खाइए मजेदार पान मसाला। खाया था, काफी मजेदार है। ठीक है, आशा करते हैं कि जैसा आपने कहा है एकदम वैसा ही हो, कि आपका ये गुटखा बनाने वाले व्यापारियों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक वैसा ही हो। क्या गलती से भी आपका कोई संपर्क निकल गया ना, तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम आपको हवालात में ले जाके बहुत कूटेंगे। इतना कूटेंगे कि जब तुम किसी और को कूटता हुआ देखोगे तो एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुलसा ना देगा। समझे? ये जो भी खेती कर रहा है ना, ये घटिया खेती, उन सभी कीड़ों को ना सब खोज खोज कर निकाल के ना अपना सरकारी जूतों के नीचे कुचल देंगे, समझ रहे हो? और ना कुचला तो हमारा नाम ऐसा ही करिश्मा सिंह है। तुम्हारा एक गुटका बनाने वाला साम्राज्य है ना, इसका सर्वनाश निश्चित है, याद रखना इस बात को। और ये जो बोलती है वो करके दिखाती है, ये भी याद रखना। हेलो, बचवा खाए जवान हो जाए, बुड्ढा खाए श्यान हो जाए, तनिक ना शर्माओ शान से खाओ। तुमने बढ़के भैया की पहली पसंद, मजेदार पान मसाला। मैडम सर, आप ये ऐड बार बार क्यों देख रहे हैं? मार्केटिंग का जादू देख रहे हैं मीरा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि हर कोई जानता है कि इस तरह के एड्स में दिखाई जाने वाली बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती, फिर भी एडवर्टीजमेंट का जादू ऐसा होता है कि लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदते चले जाते हैं। सच कोई सुनना नहीं चाहता ना, कड़वा जो होता है। एनीवेज, करिश्मा सिंह के जरिए गुटका बिजनेस की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? रेडी है मैडम, दिखाइए। ओके मैडम सर। फैक्चुअल डेटा, गुटके के बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ का है और लगभग 7 करोड़ लोग इस लत के शिकार हैं। अकॉर्डिंग टू डाउनलोडेड सर्वे, हर दिन एक इंसान इस लत का शिकार होता है और इनमें से ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। गुटका खाने से होने वाली बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, मसूड़ों और दांतों का सड़ना, नपुंसकता, किडनी फेल, लिवर इन्फेक्शन और पेट में होने वाली कई सारी बीमारियां। इन शॉर्ट, ये एक ऐसी धीमी मौत है जो अपने शिकार को बहुत ही भयानक तरीके से मारती है। सर्वे के अनुसार पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रीमैच्योर डेथ्स गुटखा खाने की वजह से होती हैं और अब तक 70 लाख लोग इसकी वजह से मौत के शिकार हो चुके हैं। आपने कहा था कि सच कड़वा होता है, लेकिन इस केस में सच क्रूर, भयानक और खौफनाक है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मीरा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि ये जो एक्टर है जयदेव, इसे भी इसकी पूरी सच्चाई नहीं पता हो। हो सकता है कि सब कुछ जान जाने के बाद कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है, उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसे इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये सब बंद कर देना चाहिए। हमारे हिसाब से तो इसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी। इले भैया, तुम्हारा बनारसी कच्चा पक्का? हाँ भैया। हाँ देखो, क्या है ना कि लोगों को लगता है हम हिंसा बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग हमको मजबूर कर देते हैं हिंसक होने पर। अब तुम ही को ले लो। अब हम तुमसे साफ साफ पूछेंगे कि तुम्हारे पास जितना भी ये तंबाकू गुटखा है ना, सबका सब हमको दे दो। तुम चुपचाप दे दोगे हमको तो हम काहे तुम्हारा हड्डी बसिए करेंगे। ये अगर तुम हमको ना बोल दोगे ना कि तुम्हारे पास नहीं है, तो मैया कसम वो हाल करेंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा नहीं देखा, कहा समझे? हाँ ये कॉपी पेस्ट मासूमियत। अरे भैया, हमारे पास ऐसा कौनो माल है ही नहीं, हम गुटखा तंबाकू बेचते ही नहीं। क्या बेचड़ा रहे हो, एक घंटा मारेंगे ना? संतु जी, लग जाएगा संतु जी। हाँ तो मारेंगे, तुमको लगेगा ही ना। अरे आपको लग जाएगा, आपको लग जाएगा संतु जी, हम बतिया रहे हैं। हाँ बुआ, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे एरिया में जितना भी तुम्हारा भाई बंधु लोग हैं ना, उनसे सारा गुटखा और तंबाकू हम इस बैग में कर लिए हैं। जब हम एकदम सराफत से उनके पास गए और बोले कि
देखिए सब जो कुछ आप बेच रहे हैं सब बड़ा खराब चीज है, हमको दे दीजिए। वो लोग भी एकदम सराफत के साथ सारा सामान हमको दे दिया। अब हम आए हैं किसके पास? तुम्हारे पास। तो अब बारी तुम्हारा है, तुम भी एकदम सराफत से हमको ये सारा माल दे दो। कोई केस नहीं, कोई मार कुटाई नहीं, तुम भी खुश हम भी खुश, टंटा खत्म। हम सच बोल रहे हैं साहेब, थोड़ा बहुत जो तंबाकू गुटखा का माल था वो अभी अभी एक महिला आके लेके गई हमसे। महिला? कौन महिला? पता नहीं साहब, अभी अभी तो चली गई, ज्यादा दूर गई नहीं होगी। वो कह रही थी कि वो पुलिस वाली है। जिंदगी से है परेशान, दुखों से है हलकान, गर्लफ्रेंड ने दे दिया धोखा, किस्मत नहीं दे रही है मौका। जिंदगी से चाहते हैं जाना, मरने का ढूंढ रहे हैं बहाना। तो आइए 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 मेरे पास, खाइए ये गुटखा, बन जाइए लाश। 100% मरने की गारंटी, 100% हॉस्पिटल पहुंचने की गारंटी। जो ये गुटखा खाए सीधा पर लोक का टिकट कटाए। तो खाइए 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 गुटखा तंबाकू पान, यही लेगा आपकी जान। अगर आपको चाहिए मुंह का कैंसर, अगर आपको चाहिए फेफड़ों का कैंसर, तो आइए 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 मेरे पास। क्यों नहीं आ रहा है गुटखा पान, क्यों नहीं खा रहा है? मैडम क्या कर रही हैं आप? प्लीज लीव मी, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। मुझे लोगों को बचाना है, उनको बताना है कि गुटखा कितना हानिकारक है सेहत के लिए, मानव जाति को बचाना है, गुटखे का सेवन रोकना है अभी के अभी। वो ऑर्डर आया, थाने बुला रहे हैं अभी। हाँ, मैडम सर, चलिए। मैडम सर ने बुलाया। ओके, ये करें। चलिए 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 मैडम, आइए मैडम, आइए मैडम। हाँ जी, साजन कौन है? तो आप ही है जो हर पान पनवाड़ी को यहाँ से पान मसाला सप्लाई करते हैं? हाँ जी। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं ऐसा ही बोलता हूँ। हाँ, इनके नाक से ही आवाज आती है। अच्छा, तो सुनते तो कान से हो ना? नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है, कान से ही सुनता हूँ। चलो, भगवान का शुक्र है, क्योंकि क्या है ना, वरना फिर मैडम को आपके कान के नीचे की बजाय फिर नाक के नीचे बजाना पड़ेगा ना। तुम इधर देखो, सिर्फ इसी इलाके में सप्लाई करते हो या और भी कोई इलाका है? नहीं जी, और भी इलाकों में मेरा माल ही सप्लाई होता है। सोती नगर, वजरपुरा, मैना मार, सब इलाकों में मेरा माल ही जाता है। ये मजेदार नाम का गुटखा जो है, ये भी आप ही सप्लाई करते हैं? गुटखा? छी छी छी, मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? गुटखा बेचना खरीदना तो गैर कानूनी है, हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। हैं, आपको यकीन ना हो, बिलबुक चेक कर लो, गोदाम चेक कर लो, जहाँ चाहे वहाँ चेक कर लो। अगर आपको गुटखे की खुशबू भी मिल जाए ना, तो आपकी जूती और हमारा सर। एक मिनट जरा, जिस आत्मविश्वास के साथ, सुनिए तो, जिस आत्मविश्वास के साथ ये बोल रहा है ना, तो उसमें दो बातें हो सकती है। एक, या तो ये सच बोल रहा है, या फिर पिछला जो डिस्ट्रीब्यूटर था ना, जिसके पास हम अभी जाके आए, उसने इसको फोन करके आगाह किया होगा कि हम दोनों यहाँ आने वाली है। समझ गई? समझ गई, इसलिए हम प्लान बी के साथ चले। प्लान बी? कौन बुला रहे है ना? मगर किसको बुला रहे? एक मिनट पुष्पा जी, हरी राम, इधर आइए। सवाल नहीं करेंगे, काहे कि आपका थोबड़ा ही बता रहा है कि आप इसे जानते हैं, तो इनका परिचय हम आपको नहीं देंगे। इनका कहना है कि इनका जो दुकान है हरिराम पान भंडार, वही है ना, इस पे आप वो गुटखा सप्लाई करते हैं, वो मजेदार गुटखा। अरे झूठ बोल रहा है ये आदमी, मैं तो इसे जानता भी नहीं, ये शक्ल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ जी, हर महीने इतने इतना माल लेता था गुटके का, वो भी कैश पेमेंट पे, आज इतनी जल्दी भूल गए? अबे जा, मैं कौन खामखा बातें बना रहा है ये आदमी। सजनवा कैसन हो, अब बात करनी थी। हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है ना, वो बढ़िया सा लग्जरी सा ऐसा पनबड़ी की दुकान डाल रहे हैं चंदपुरी की चौक के यहाँ, तो हमको क्या है, पान सुपारी, पान मसाला, तंबाकू और गुटखा और मजेदार गुटखा बहुत खास करके चाहिए हमको, बहुत माल लगने वाला है हमका। पुलिस मामले खड़ी है, मिलेगा सब मिलेगा, हम बैठे किस लिए हैं? तंबाकू और भैया हो गया हो तो। नहीं नहीं, बस बस, धंधे के लिए नंबर ले रहे हैं, बस हो जाएगा, दो मिनट नंबर डायल करो। Thank you.
घास में तिनका। अब क्या कहेंगे ना, मतलब अगर आप इन्हें जानते नहीं है तो इनका नंबर बकायदा सेव है आपके फोन पे, सेव का है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ ऐसा है, आप सच बता दो। और एक और चीज, आजकल ना हमने बहुत संयम सीख लिया है, आजकल हम तोड़ने से पहले ना उनको उनको मौका देते हैं सच बताने का, अपना सफाई देने का। तो जल्दी बताओ, अमा जल्दी बोलो। मैंने कहा चुड़ैल जो होती है ना वो नींबू मिर्ची से काबू में आ सकती है, अगर अगर ये चिपक गई ना तो दुनिया का कोई भी तांत्रिक इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। हम अपने निजी अनुभव से कह रहे हैं, हमारे लल हो गया, बखैती हो गया। बताते हैं मैडम, बलवंत सेठ के यहाँ से माल उठाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनकी दूसरी फैक्ट्री से माल आता था। पता बोलो। आपने कहा था कि इसे एक नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए, आपने कहा, और पता नहीं कैसे मेरे सिस्टम में एक कोर सेटिंग एक्टिवेट हो गई, इसलिए मैं इस सच को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने लगी, उन्हें अवेयर करने लगी। इस तरह से? गजब मैडम। मैडम सर ने कहा कि सच बोरिंग होता है, इसलिए उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये तरीका निकाला, व्यंग के साथ, विद सार्कास्म। चलो अंदर, टोपा कहीं के। मैडम सर देखिए, ये रहा मुजरिम, कबूल नामे के साथ है, हमने सारा टंटा साफ कर दिया है, जितना भी माल था सब जब्त कर लिया गया है, ये उसका सैंपल है और बाकी का जो है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। मैडम सर कोई सूंघ भी नहीं सकता है गुटखे को, ऐसा पूरा साफ कर दिया हमने पूरा शहर इस गंध से, ना रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी। केस सॉल्व। सर हमारे बच्चे को बचा लीजिए मैडम। नहीं नहीं नहीं, घबराने का आपको बिल्कुल बात नहीं है, हमने सारा ना माल जब्त कर लिया है, तो गुटखा है ही नहीं तो आपका बेटा खाएगा का? मैडम आप क्या बात कर रहे हो, मेरा बच्चा अस्पताल में है और वो गुटखा खा रहा है, अस्पताल में लेटे लेटे उसने गुटखे का इंतजाम कर लिया। देखा करिश्मा सिंह, जिस चीज का डर था वही हुआ। देखिए हम मानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, हम दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बाजार का दस्तूर है करिश्मा सिंह कि जब तक मांग रहेगी तब तक वो चीज बाजार में कायम रहेगी। अगर हमें इस प्रोडक्ट को खत्म करना है तो उसके लिए हमें उसकी मांग को खत्म करना होगा, और मांग तभी खत्म होगी जब लोगों को सही मायनों में इसका नुकसान पता चलेगा, पूरा नुकसान कि ये कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। अभी लोगों के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, हमें बहुत से लोगों को इसकी सच्चाई एक साथ बतानी होगी, और ये एक ही इंसान कर सकता है। मतलब जयदेव कुमार? हाँ। लेकिन मैडम सर उसको समझाने की कोशिश की थी ना? एक और कोशिश की है हमने, हमने इसके जितने भी नुकसान है वो सब सारी सच्चाई जो है उनको ईमेल की है, हो सकता है कि ईमेल पढ़कर उन्हें कुछ लगता है, उसने हमारा ईमेल पढ़ लिया। जयदेव जी लगता है आपने हमारा ईमेल पढ़ लिया। समझती का है आप अपने आप को? आपको वर्दी पहनने का मौका मिला है तो आप किसी की भी इज्जत उतार दोगे? अपमान करने का लाइसेंस मिला है क्या आपको? चाहे आप किसी को कुछ भी बोलो कुछ भी करोगे तो चलेगा का? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, अचानक से क्या हो गया? कुछ बात है क्या? अरे बात का है का, क्या बात है? पूछती है क्या बात है? आपका ईमेल पढ़े हम, पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा ये पान मसाले का उत्पादन का जो प्रचार प्रचार है ना हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा दिल दिमाग में ना ऐसा सोच लिए था कि आज के बाद ऐसा कोई भी प्रचार प्रचार हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर होता क्या है, होता ये है कि हम एक वीडियो देखिए, उस वीडियो में आप ही का एक अफसर ऐसे पब्लिक में हमारे नाम के साथ ऐसा चीखते चिल्लाते जा रहा है और हमको बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि जयदेव कुमार एक नंबर का मक्कार लोफर और एक नंबर का क्रिमिनल आदमी है। जयदेव कुमार क्रिमिनल आदमी? देखिए मिस्टर जयदेव जी, I'm really sorry, जो कुछ भी हो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे मैडम माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, पर वो भी कोर्ट में, पर वो भी पब्लिक के सामने, हमारी जनता के सामने, और वो भी 20 लाख के हर जाने के साथ। 20 लाख? आपने हमारे नाम के साथ खेलने का प्रयास किया है ना मैडम, तो हमने भी मान हानि का केस ठोक दिया है आप पे, वो भी पूरे 20 लाख का। आपको समझ में आ रहा है वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, हर जाना। 20 लाख का हर जाना?
हम सब जानते हैं मिस मलिक, आप हमें समझाइए ना, कितने बड़े लोकप्रिय अभिनेता को आपने आरोप लगाकर बदनाम कर दिया कि उनकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो वो अपनी छवि बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ करेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने मान हानि का दावा ठोक दिया, सीधे 20 लाख रुपए। हाँ सर, लेकिन जिस प्रोडक्ट का प्रचार ये जयदेव कर रहा है, उस प्रोडक्ट की आड़ में गुटखा बेचने वाली कंपनीज गुटखा बेच रही हैं, इस बात का हमारे पास पक्का सबूत है सर। और उसके इस प्रचार करने से लोगों में बहुत नेगेटिविटी फैल रही है, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाने लगे हैं, बहुत सीरियस तरीके से बीमार होने लगे हैं। और सर, ये सारी बातें हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं। कोर्ट केस की तो बात मत कीजिए मिस मलिक, अरे आपके पास आधार क्या है, सबूत क्या है, बताइए ना। ये सुपरस्टार जयदेव कुमार जो भी कर रहा है अपना काम कर रहा है। और एक बात बताएं, पान मसाला कंपनी के साथ जो अनुबंध है वो वही काम कर रहे हैं और वो लीगल काम कर रहे हैं। और सुनिए, सुपरस्टार जयदेव कुमार को कम करके मत आंकिएगा, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसकी एक स्टेटमेंट हमारे डिपार्टमेंट को मुश्किल में डाल सकती है। आप कृपा करके 20 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए और अपनी गर्दन और हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत को बचाइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।